आदमी को पता होना चाहिए कि स्कीम किस तरह से बनती है, उसके मराहल क्या है, बजट कॉल लेटर से लेकर बजट अप्रूव होने तक के जो मराहल है, जो बुक है, इनमें जो मालूमात है सब्जेक्ट मेकिंग के हवाले से, वाकईतन बजट की जरूरत यही है। हमने कोशिश करनी है वैसे थे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फंड इसी बजट प्रोसेस के तरह हम तरीके पे हम बनाए। जो फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर की गई है रिसर्च के हवाले से, मैं समझता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से हमारे लिए इंतहाई मुफीद है। जो बजट की प्रोसेसिंग है, बहुत सारे जो उसके सेक्टर्स हैं उनके हवाले से हमें इतनी मालूम नहीं थी। आज के इस अजलास से, सेशन से जो है ज़्यादा जो तमाम स्टेक होल्डर जानकारी उनको मिली है। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है कि बजट बनाने में अवाम का इतना अहम करदार है। इससे पहले मैं यही समझता था कि बजट हुकूमत बनाती है और हुकूमत का काम है बजट बनाना, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि ये बजट बनाने के लिए पूरे साल का प्रोसेस चाहिए और इसमें अवाम की इनपुट जो है वो बहुत ही जरूरी है। ये जो प्रोग्राम आए थे गवर्नमेंट लेवल ते पंजोर ते आज पर ही जो मानू की स्तर से आंदो वो सीपीडीआई में शे सीखी थी जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट जो बजट आ तो की यूटिलाइज थे थी डिस्ट्रिक्ट लेवल से उन अलावा प्रोफेशनल लेवल से इन जो लोकल गवर्नमेंट जो प्रोसेस है अड़ा प्रोग्राम जो सीपीटीआई रखे ताकि मानू के मालूम थे मानू जो है फायदो वन। एक आम शहरी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और वो बजट बनाने में हुकूमत को तजावीज़ दे सकता है और हुकूमत बाकायदा उसकी तजावीज़ को महफूज रख सकता है और आइंदा आने वाले साल का जो बजट है वो इसी तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो इस पर काम करेंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए वो बजट मुख्तस करेंगे। बजट मेकिंग और बजट प्रोसेस के बारे में तमाम स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को आगाह किया गया, इससे पहले इस तरह की मालूमात हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी।